नमस्कार, मैं एसके झा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित डायल 100 योजना के संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर भी करना चाहता हूं और कुछ आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, डायल 100 सेवा की शुरुआत 1 नवंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई थी। ये एक बहुत ही बहुआयामी और बहुद्देशीय योजना थी, जो पूरे देश में प्रथम बार मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरुआत की गई। आज लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं और हम सबको इस बात का फख्र है कि इन 4.5 सालों में डायल 100 ने न केवल एक अपनी छवि बनाई है, बल्कि जो लोग संकट में हैं, जो परेशानी में हैं, जिनके लिए कोई आपत्ति स्थिति निर्मित हो जाती है, उनके लिए एक संकट मोचक का काम डायल 100 कर रहा है। अगर हम केवल आंकड़ों की बात करें तो विगत 4.5 सालों में लगभग 4.85 करोड़ लोगों ने डायल 100 को कॉल किया था, जो यहाँ रिसीव किया गया, और डायल 100 के 1000 वाहन जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पे अवस्थित हैं, उनके माध्यम से 93 लाख लोगों को अत्यावश्यक और आकस्मिक सेवाएं पहुंचाई गई। प्रतिदिन लगभग हमें 25 से 30 हजार कॉल्स पूरे प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों से आते हैं, और जहां लगभग 6 से 7 हजार स्थानों पर 6 से 7 हजार लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाती है। विगत 4.5 सालों में इस डायल 100 ने एक अपनी अलग छवि बनाई है और एक भरोसे का, एक विश्वास का संबंध मध्य प्रदेश के लोगों के साथ निर्मित हुआ है। लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। जब पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, तब हमारी भूमिका में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। हमने अपनी कार्यप्रणाली, हमने अपनी कार्य पद्धति में भी कोरोना की वजह से चेंजेस किए हैं। जब आप डायल 100 करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन पुलिस और फायर सर्विसेज के लिए होता है, दूसरा ऑप्शन एम्बुलेंस के लिए होता है, और एक तीसरा ऑप्शन जिसकी शुरुआत अभी कोरोना के बाद की गई है, उसमें यदि कोरोना से संबंधित आपके कोई सुझाव हो, आप कोई परामर्श लेना चाहते हो, आपकी कोई परेशानी हो, तो आपको हेल्पलाइन से जोड़ दिया जाता है। हम चाहते हैं कि आप डायल 100 में ना केवल पुलिस और फायर इमरजेंसी के लिए, बल्कि किसी प्रकार की भी इमरजेंसी हो उसके लिए आप 100 डायल कर सकते हैं। यहाँ कोरोना महामारी के शुरुआत के बाद हम लोगों ने कई विशेष व्यवस्थाएं करी, और मुझे ये कहते हुए काफ़ी संतुष्टि हो रही है कि विगत लगभग 1 माह में हम लोगों ने केवल कोरोना के केसेस को अगर देखें तो 89,000 ऐसे केसेस हमारे पास आए, जो या तो लॉकडाउन वायलेशन से रिलेटेड थे, या तो वो ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग से रिलेटेड थे, जिसमें तत्काल डायल 100 वाहन को भेज करके उसका समाधान किया गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात हम सबके लिए है, और जो काफ़ी संतोष का विषय भी हम सबके लिए है, कि इसी दौरान लोगों ने निर्भीक होकर के, बगैर किसी रोक टोक के और बेहिचक डायल 100 को दूसरी समस्याओं के लिए भी फ़ोन करना प्रारंभ किया। जैसे कभी कोई मजदूर हो या किसी ऐसे सुदूर क्षेत्र में जिन्हें खाना ना मिल रहा हो, उन्होंने फूड पैकेट्स के लिए, खाना उपलब्ध कराने के लिए फ़ोन किया, और ऐसे लगभग 6,746 कॉल्स विगत लगभग 1 माह में हमारे पास आए, जहाँ पे भोजन सामग्री किसी न किसी माध्यम से पहुँचाई गई। इसी तरह लगभग 513 केसेस में मेडिकल सहायता पहुँचाई गई। 307 ऐसे केसेस थे जिसमें मालवाहक वाहन जहाँ कहीं पे रोके गए, तो तत्काल ड्राइवर्स ने हमें डायल 100 पे फ़ोन किया। हमारे मध्य प्रदेश शासन के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी मालवाहक वाहन को कहीं पे भी ना रोका जाए। तो मैं पुनः सभी ड्राइवर्स जो मालवाहक वाहन पे, यदि कहीं किसी वजह से उसे रोका जाता है, तो आप डायल 100 पे फ़ोन करें, यहाँ से तत्काल आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार जो बुजुर्ग हैं, जो असक्त हैं और जिन्हें दवाई की तत्काल आवश्यकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें उन्हें कहीं ना कहीं से दवा भी उपलब्ध कराई गई है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि डायल 100 सेवा केवल पुलिस या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तो है ही, ऐसे महामारी के समय में जब आपकी आवश्यकताएं, जब आपकी इमरजेंसी का नेचर बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है, तो हम उसी अनुरूप अपने आप को ढालते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको आकस्मिक सेवा उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, डायल 100 केवल एक नंबर नहीं है, डायल 100 केवल 100 का एक नंबर नहीं है जिसे आप डायल करते हैं। ये आप जब कहीं परेशान होते हैं, आपके ऊपर कोई आपत्तिकालक स्थिति निर्मित हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा दिखता है, तो उस समय डायल 100 आपके और उम्मीद के बीच की एक कड़ी का काम करता है। जब भी आप परेशानी में हों, जब भी आप संकटग्रस्त हों और जब आपको लग रहा हो कि आपको तात्कालिक किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप बगैर विचार किए हुए, बगैर सोचे विचारे डायल 100 को कॉल करें। यदि पुलिस और फायर से संबंधित होगा तो तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यदि एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी तो एम्बुलेंस भी वहां भेजा जाएगा और संबंधित हेल्पलाइन के माध्यम से आपको सहायता पहुंचाई जाएगी। यदि आपके जो तीन ऑप्शंस होते हैं, हम सब प्रयास करेंगे कि आप जब नंबर 2 ऑप्शन एम्बुलेंस के लिए या नंबर 3 ऑप्शन कोरोना के लिए दबाते हैं तो संबंधित जगह आपको जोड़ दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद यदि आप डायल फर्स्ट ऑप्शन भी डायल करते हैं, पहला विकल्प डायल करते हैं, तो भी हम आपको उनसे कनेक्ट करेंगे या जहां से भी संभव होगा वहां से आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बस मेरा आप सबसे निवेदन है कि चूंकि ये अत्यावश्यक और एक इमरजेंसी सर्विस है और जैसा कि आपको मैंने बताया कि 25 से 30 हज़ार कॉल्स प्रतिदिन आते हैं, तो जब इमरजेंसी हो, जब अति आवश्यक हो, तभी 100 डायल किया करें। क्योंकि अगर आप किसी छोटी चीज़ों के लिए जिसमें संभवतः तात्कालिक सहायता की आवश्यकता ना हो, तो दूसरे जो प्राथमिकता लेवल पे ऊपर होंगे उनकी सेवाएं बाधित हो जाती हैं। तो कृपया करके आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। साथ में मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि आज कोरोना के परिस्थितियों में सारे पुलिस अधिकारी मध्य प्रदेश में सड़कों पे हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। ना केवल पुलिस अधिकारी बल्कि प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला, सभी स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी आज आपको सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध हैं। आपसे बस इतना आपसे अनुरोध है कि आप घरों में रहें, नियमों का पालन करें, और सुरक्षा दोनों हम दूसरों का परस्पर है। आप घरों में रहकर हमें सुरक्षित रखते हैं, हम बाहर रहकर आपको घरों में सुरक्षित रखते हैं। हम दूसरे एक दूसरे को सुरक्षित रखें, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जब एक को दूसरे की वजह से उसका कहीं ना कहीं सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। आप सबको शायद ज्ञात है कि मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे 2 वरिष्ठ अधिकारी जो निरीक्षक स्तर के थे, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी केवल आपको सुरक्षित रखने के लिए। उनकी आहुति, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस केवल इतना आपसे अनुरोध है, इतनी आपसे अपेक्षा है कि सभी नियमों का पालन करें, आप अपने घरों में रहें, और अगर लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हम तो आपके साथ हैं ही। हम तो हमेशा अगर किसी भी प्रकार की ऐसी इमरजेंसी सर्विस की आवश्यकता है तो हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित हैं, मध्य प्रदेश सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।